तो दोस्तों ये है मेरे पास आज ओराइमो फ्री पॉड्स 3 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इसके डिटेल्ड के साथ रिव्यू। तो गाइज अगर आप सभी इस ईयरबड को बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो उससे पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो गाइज सबसे पहले हम इस ईयरबड के चार्जिंग केस के लुक और डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे। तो ये है इस चार्जिंग केस की बैक साइड की लुक और यहाँ पे आप सबको इस चार्जिंग केस का जो आउटपुट वगैरह ROH का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में अगर हम फ्रंट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा जो ईयरबड है फुली वाइट कलर के साथ में एंड मैट फिनिशिंग के साथ में है और फ्रंट में आप सबको यहाँ पे ओराइमो का जो ब्रांडिंग है वो भी देखने को मिल जाते हैं इस जगह पे। एंड चार्जिंग केस को ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो LED लाइट इंडिकेशन है वो ऑन हो जाता है और इसकी मदद से हमें इसके जो बैटरी परसेंटेज है उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे आप सबको बैटरी इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ है और इसकी जो प्लास्टिक की जो क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसके हम नीचे के साइड देखेंगे तो यहाँ पे आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से हमें इस चार्जिंग केस को चार्ज करना होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आप सबको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। एंड अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड प्लास्टिक की जो क्वालिटी की बात करेंगे तो इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसके हम थिकनेस की बात करेंगे तो मैं आपको सबसे पहले इसका ओवरव्यू लुक और डिज़ाइन दिखा दूँ। तो ये इतने स्लिम के साथ है, कोई हैवी नहीं है एंड बहुत ही लाइट वेट और काफ़ी स्लिम एंड काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ ये हमारा ईयरबड के चार्जिंग केस आ जाते हैं। एंड यहाँ से हम जो अपने चार्जिंग केस को ओपन कर सकते हैं तो इसका जो इंटरनल का जो लुक है वो भी मैं आप सबको सबसे पहले दिखाऊँ। तो ये अंदर से भी फुली वाइट कलर के साथ में एंड मैट फिनिशिंग के साथ में है। तो भाई सबसे पहले मैं अगर मैं इस इंटरनल लुक को डिज़ाइन आप सबको दिखाऊं तो यहाँ पे इस टाइप से आप सबको इसके जो लुक है वो देखने को मिल जाता है और अंदर से भी ये फुली वाइट कलर के साथ में एंड मैट फिनिशिंग के कारण काफ़ी अच्छी लुक को डिज़ाइन प्रोवाइड करता है और मैट फिनिशिंग के कारण इस चार्जिंग केस के ऊपर स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर हम चार्जिंग केस की मैग्नेट की क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सबको बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की क्वालिटी देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में अगर हम इस चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो हमारा जो ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पे आ जाता है। जैसे कि आप सब यहाँ पे LED लाइट देख सकते हो कि हमारा जो ईयरबड का LED लाइट है वो रेड और ब्लू कलर का ब्लिंक कर रहा है, यानी कि हमारा जो ये ईयरबड है वो पेयरिंग मोड पर आ चुका है। और बिना इस ईयरबड को चार्जिंग केस में से बाहर निकाले बिना ही आप सब अपने स्मार्टफोन या किसी भी डिवाइस के साथ इसको पेयर कर सकते हो, यानी कि रिसेंट ही पेयर एक्टिविटीज़ में देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब हम इन अपने ईयरबड को इस चार्जिंग केस में से बाहर निकाल लेते हैं और अब बात कर लेते हैं इस ईयरबड के लुक और डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात। तो गाइस ये मैं आप सबको दोनों ही ईयरबड के लुक और डिज़ाइन आप सबको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। तो ये भी फुली वाइट कलर के साथ में एंड मैट फिनिशिंग के साथ में देखने को मिल जाएंगे आपको। और अगर हम इसकी कंफर्टेबल और फिटिंग की बात करेंगे तो जो ये ईयरबड है इसकी फिटिंग एंड कंफर्टेबल मैंने पर्सनली यूज़ करके देखा है, मुझे काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लगा है। और इस ईयरबड का एक खासियत है जो कि मैं आप सबको नेक्स्ट आगे बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अगर मैं बताऊँ इसकी जो ओवर बिल्ड क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है जैसे कि ये सिलिकॉन के ईयर टिप्स है जिसे कि आप दोनों ही ईयरबड के टिप्स को निकाल सकते हो और निकालने के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस टाइप से हो जाने वाला। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी है यानी कि सिलिकॉन ईयर टिप्स के ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। साथ में आपको इसमें 2 एक्स्ट्रा पेयर ईयर टिप्स भी अलग से मिल जाते हैं जैसे कि आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा सकते हो। एंड ईयर टिप्स को निकालने के बाद इस ईयरबड का जो लुक और डिज़ाइन है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है, यानी कि ये 2-in-1 ईयर टिप्स कंफर्टेबल फिटिंग के साथ है। जिसे ईयर टिप्स पसंद नहीं है उसे बिना ईयर टिप्स के रिमूव करने के बाद इसको कुछ स्टेप से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हाफ ईयर ईयर टिप्स भी इसके अंदर है एंड इन ईयर टिप्स भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये इस ईयरबड के टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ एंड काफ़ी अच्छा न्यू फीचर्स इन्होंने ऐड किया जिससे कि काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलने वाली है, यानी कि अब 2-in-1 का ऑप्शन आप सबको देखने को मिल जाएंगे एंड इसे बहुत ही ईजी तरीके से लगाया भी जा सकता है एंड इसको निकाला भी जा सकता है। तो ओवरऑल इसमें मुझे ये जो ऑप्शन लगा वो काफ़ी अच्छा लगा। आप सबको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको अगर बिना ईयर टिप्स के ईयरबड चाहिए तो उसे भी आप ये यूज़ कर सकते हो और जिसे ईयर टिप्स वाले चाहिए वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आप सबको इसी ईयरबड में देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप इसके कुछ ओवरव्यू की बात की जाए तो यहाँ पर आप सबको मैं सबका ओवरव्यू लुक और डिज़ाइन तो दिखा दें, यहाँ पर इसके कुछ मेंशनिंग की चीज़ें दिखाऊं तो यहाँ पे आप सबको ओराइमो का जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाते हैं आप सबको। और साथ ही में यहाँ पे LED लाइट इंडिकेशन भी देखने को मिल जाते हैं जिससे कि हमें पता लग जाता है कि हमारा जो ईयरबड है वो ऑन है और पेयरिंग मोड पे है। तो यहाँ पे LED लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में इस ईयरबड के ऊपर यहाँ पर आपको टच कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि सेंसर टच मिलने वाला है
तो यहाँ पे आप सबको बटन कंट्रोल नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे टच करके आप इसके फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि म्यूज़िक प्ले या पॉज करना हो, सॉन्ग को नेक्स्ट या प्रीवियस करना हो, तो जस्ट टच करके ही यूज़ कर सकते हो। और अगर हम इसके प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आप सबको जो प्लास्टिक की क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ देखने को मिल जाते हैं, एंड मैट फिनिशिंग के कारण इस पर भी आपको स्क्रैच वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। और साथ ही में इस ईयरबड में आप सबको ENC टेक्नोलॉजी का सपोर्ट भी मिल जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे आप सबको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इसी के अंदर आप सबको ड्यूल माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि ENC टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है और इसकी जो कॉल की क्लैरिटी वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। साथ ही में यहाँ पे गोल्डन टिप्स मिल जाते हैं देखने को, वो कि इस ईयरबड के चार्जिंग पिन। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिक फीचर्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप सबको राइमो फ्री पॉड्स 3 ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स में लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि कनेक्टिविटी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। साथ ही में इसमें आपको लो लेटेंसी मोड मिल जाते हैं, जिससे कि आप गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप इसमें म्यूजिक एंड गेमिंग दोनों ही यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में इसमें आपको IPX5 का स्वेट प्रूफ ऑप्शन मिल जाता है, जो कि जिमिंग वगैरह के लिए काफ़ी बेस्ट होने वाला है। और इसमें आपको 13mm के ड्राइवर साइज मिल जाता है, जो कि इसकी साउंड क्वालिटी को काफ़ी अच्छी म्यूजिक क्वालिटी वाइज और बास क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसमें मैंने पर्सनली इसका सॉन्ग भी टेस्ट किया, तो इसका जो बास क्वालिटी मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। साथ ही में इसमें आपको ENC टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसमें कॉलिंग से रिलेटेड जो क्लैरिटी वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, यानी कि सबसे बेस्ट ईयरबड आप सबको इसमें कॉलिंग के अकॉर्डिंग आप इसको बाई कर सकते हो। एंड अगर हम इसके प्ले टाइम की बात करेंगे तो इस ओनली ईयरबड की बात की जाए, यहाँ पे 8 आवर्स के कंटिन्यू प्ले टाइम मिल जाते हैं, एंड चार्जिंग केस की जो बैटरी लाइफ है वो आपको 28 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और साथ ही में ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे आप 5 मिनट जस्ट चार्ज करने पे 40 मिनट का प्ले टाइम देख सकते हो। तो ये ओवरऑल इसके स्पेसिफिक फीचर थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं क्या इस ईयरबड को बाय करना चाहिए या नहीं। तो गाइज अगर मैं इसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो यह ईयरबड आप सबको 3000 के रेंज में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। तो इस प्राइस के अकॉर्डिंग इसके जो फीचर्स एंड क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, आप सब इसको बाय कर सकते हो। तो गाइज आप सब मुझे कमेंट करके बताओ कि आप सबको यह ईयरबड कैसा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप सबको यह वीडियो अच्छा लगे या यह ईयरबड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। और अगर आप सब हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट गैजेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।